मगर उस जालम ने नहीं छड़ना। फिर माई सोच दिया कि जे मैं बच्चे नु इत्थे छड़ के जानी शेर बघेले चित्रिया ने मेरे बच्चे नु मार देना, जे मैं नाल लेके जानी हां ते नमरूद जालम ने मेरे बच्चे नु मार देना। फिर माई ने सोचा कि उस सच्चे रब दे सपुरद करके जानी हां जिन्हें मैनू गार दे विच आउण दी तजवीज दसी आ। वाहवा सिफतां तेरियां तेरी बेपरवाही, बिच गार दे बैठ के हुण सोचा सोच दी माई। इत्थे काफिर जो नमरूद आ उस दी आ बादशाही, अगे कई हजारां बच्चे दी उन्हें ना हक जान गुआई। नाल तकबर बोलदा दावे बन खुदाई, अरसों आउण फरिश्ते उन्हां दे मुंह लाउंदे मिठाई। हजरत इब्राहिम ने मुंह बिच उंगल पाई, पै अंगूठा चुंग दे विचों दुध दी धार चलाई। अल्लाह दी जात दे सच्चे रब दे सपुरद करके माई इक घर नूं वापस आउंदी आ। किवें आउंदी आ? बेची हंदेरी गाय तेरे पास।
ली। माई अल्लाह की जात दे सपुरद करके बच्चे नूं जदों वापस घर आई, उधर सवा महीने ते बाद आज़र भी बुतखाने तो आ गया। आज़र ने माई नूं पुछया, बच्चा बच्ची की पैदा होया? उन्हें कहा जी, एक लड़का पैदा होया सीगा, नमरूद रब तो डरदी, उस पहाड़ की गार अंदर मैं सिट के आ गई। उन्हें कहा चलो, बच्चे तो सारिया के मारे गए, अपना मर गया तो की हो गया। 80-37 दिनी माई ने गार नूं जाना, पुत्र नूं सीने नाल ला के, सीने की अग पूरी करके दुध चगा के वापस आ जाना। इसे तरह 7 साल माई ने आज़र दे कोल दस्या नहीं, भेत नहीं दस्या। माई 7 साल गार दे अंदर जांदी रही। हजरत इब्राहिम रोज जनाब इतना कद कर जांदे सीगे जितना अपना बच्चा एक महीने च कद करदा। 7 सालां दी उम्र हो गई, फिर माई ने सोचा कि अपने पुत्र नूं घर लिजाण दा हुण मैं कोई ढंग बनावा। एक दिन आज़र नूं कहण लगी, अज सुबह दे टाइम मैं तलाब दे उत्ते नहाण वास्ते गई, वह जिहड़ा बच्चा मैनू पैदा होया सीगा, अज उस गार दे विच्चों उस बच्चे दीआं रोणे दीआं आवाज़ां आउंदीआं। एक माई आज़र दे नाल जवाब करदी आ, कैसा जवाब करके दसदी आ, बैठ के माई करती
हजरत इब्राहिम दे बाप ते जदों माई गार दे विच पहुंच गए, आजर ने देखिया हजरत इब्राहिम नूं ते खुश हो गया। की सोचिया कि जेड़ा सवा महीना मैं अपने पुत्तां दी पूजा करदा आया, उन्हां दे सदके दे नाल मेरा पुत्र मिल गया जिंदा। जनाब रात दा वक्त सीगा, हजरत इब्राहिम नूं लै के घर नूं तुर पै। हजरत इब्राहिम ने 7 साल गार दे विच गुजारे सी, बाहर ते निकल के नहीं सीगा देखिया। बाहर आए ते की लगे देखण, सितारे नजर आए। दिल दे विच सोचिया के रब होना, जदों घर आए ते चंद चढ़ पिया। हजरत इब्राहिम ने सोचा भी ये रब होना, फिर सौं गए। सुबह जदों होई चंद भी छुप गया, तारे भी छुप गए, सूरज निकल आया। हजरत इब्राहिम ने सोचा भी उन्हां च कोई रब नहीं सीगा, ए होना रब। जदों शाम दा वक्त होया ते सूरज भी गुरूब हो गया। हजरत इब्राहिम ने सोचा भी इन्हां तिन्नां दे विच कोई रब नहीं, ओ होना रब जेड़ा इन्हां चीजां नूं बनाउण वाला। अगले दिन की लगे देखण, उन्हां दा बाप आजर बुत घड़ घड़ के रखी जांदा, रंग साजी दा काम शुरू कीता। हजरत इब्राहिम पुछण लगे, अब्बा जी एक चीज आ, ए पुत्र अपने रब आ, ठाकर आ, बुत आ, अब्बा जी इन्हां नूं की करदे हुंदे आ? इन्हां नूं मत्था टेकी दा, इन्हां दी पूजा करी दी आ, अपने माबूद आ, अपने ठाकर आ। अगे तां मैं बाजार दे विच बेच के आउणा, अज तूं इन्हां नूं लै जा बाजार दे विच बेचण वास्ते। हजरत इब्राहिम दे बाप ने हजरत इब्राहिम दे सिर दे उत्ते टोकरा भर के बुत्तां दा रख दिंदे आ। हजरत इब्राहिम बाजार दे विच बेचण वास्ते जांदे आ, किस तरह बेचण जांदे आ?
हजरत इब्राहिम जो वापस मुड़ के आए उन्होंने बाप ने पूछा कि पुत्र कितने पैसे वट के लियांदे आ। वो आखण लगा बाजी पैसे कादे वट के लियांदे, सारा रद्दी माल फड़ाता, बीमार हो गए, मैं ता सारे बाजार विच सिटिया आ। हजरत इब्राहिम दे बाप ने सोचा भी वह लड़का ना होवे जेड़ा नजूमी ने आख्या सीगा। वह कह लगा पुत्र ये तो अपने ठाकर सिगे, तेनू नमरूद रब मारू। हजरत इब्राहिम कह लगे अब्बा जी हजे को होर भी तुहाडा रब आ। उन्हें कहा हाँ वह कित्थे आ, चल कहिंदा दिखाला। लैके पुत्र नू आदर तुर पिया, अगे जाके देखण लगे जनाब नमरूद तख्त दे उत्ते बैठा, दुनिया च फेरे इकट्ठी होई आ, पूजा कर दी आ। हजरत इब्राहिम का बाप आजर कह लगा पुत्र ओ अपना रब। हजरत इब्राहिम कह लगे अब्बा जी ये साढ़े वर्गे हाथ, साढ़े वर्गे पैर, साढ़े वर्गा मूँह, साढ़े वर्गा बंदा, मेरा रब नहीं है तो आड़ा रब होगा। आदर कह लगा पुत्र जे तेरा यह नहीं हो रब तो तेरा रब कौन?
कौन है? हजरत इब्राहिम जी डाडी करन पुकार, गैर शरीक ना रखो कोई, इको जात गफार, कौन कहने से उसने पैदा कीता बेशमार, हथी अपनी आप बना के तुसी बन गए सेवादार, ए पत्थर मुंह नहीं बोलदे, तुरनो ए लाचार, धक्के मार के नमरूद नू कर दियो शहरों बार, नाले मन्नो पाक खुदा नू जिसने बेड़ा करना पार, अब्बा जी तुहाडा रब होगा मेरा रब नहीं। जनाबे अली झगड़दे झगड़दे बाप ते बेटा घर आ गया। अगला दिन काफरां दा मेले दा आ गया, जिवें अपना साल बाद ईद दा दिन आउंदा, नमरूद ने हुक्म दे दिता सारी दुनिया नू के तमाम दुनिया उजाड़ दे विच इकट्ठी हो, जो मर्द बुढ़ा बच्चा तमाम दुनिया चलो, जेड़ा मेले नू ना जाओ उहनू मैं फांसी सूली चढ़ा दूं। हजरत इब्राहिम नू कहण लगे तुसीं भी चलो, उन्होंने कहा जी असीं तां बीमार आ, तैनू कहिंदे नमरूद मारू, मैनू काते मारूगा, मेरा रब नहीं तुहाडा रब होगा। जनाब ए सारी दुनिया मेले नू चलेगी, हजरत इब्राहिम कल्ले रह गए, अल्लाह दी जात दी तरफ लो इशारा होया कि सोणिया चक ला कुहाड़ा जा बड़ बुतखाने नू। हजरत इब्राहिम एक साफ सुहागा बुतां ते फेर दिया, किस तरह फेर दिया? कफार सारी बार चले गए मेले वास्ते, हजरत इब्राहिम पिछे रह गया, उन्होंने कुहाड़ा चक लिया, बुत खाने जा वड़े, सारे बुत पन तोड़ सिटे, एक उन्होंने वड्डा बुत जिहड़ा सीगा उहदी एक बांह वढ के सज्जे मोढ़े ते कुहाड़ा धर के पिछे नूं आ गया। दिल विच उन्होंने की सोचा कि जद मैनूं पुछणगे मैं कहूंगा भी इस वड्डे बुत ने वड्डे आ सारे। उधर नमरूद ने हुक्म देता कि चलो ठाकरां नूं मत्था टेकीए ते चढ़ावा चढ़ाईए। कट्ठी होके कफार जदों आए मुड़ के
बुतखाने का दरवाजा खोलिया ते बुत सारे मूढ़े कीते पै, किसी की लत है ना, किसी की बांह है ना। नमरूद कहना भी आ की बनिया। जनाबे अली जिन्हां दे सामने बाजार दे विच तोड़े सिगे, उन्होंने कहा जी इस डाकू चोर का सानू पता। नमरूद ने हुक्म देता कि ऐसे वक्त पकड़ के लिया के मेरी कचहरी च पेश करो। उस वेले हजरत इब्राहिम नू एक लैण वास्ते जांदे आ, पला वे किस तरह लिया के जवाब कर दे आ।